महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आघाड़ी सरकार के कई नेता और मंत्री हैं। पिछले कुछ समय से शिवसेना और एनसीपी के नेताओं पर ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई में तेजी आई है। शिवसेना नेता अनिल परब के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद ईडी के शिकंजे में फंसे राज्य मंत्री नवाब मलिक के लिए भी बुरी खबर आई है। अब नवाब मलिक की बेटी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक और उनकी पत्नी महजबनी को कई बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो पेश होने से बच रहे हैं। इसीलिए मलिक के बेटे फराज मलिक पर ईडी जल्द शिकंजा कसने वाली है। ईडी के सूत्रों की माने तो मलिक के बेटे बार बार समन की अवहेलना कर रहे हैं। वहीं ईडी का ये भी आरोप है कि नवाब मलिक की पत्नी महजबीन भी लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल रही हैं। अब फराज मलिक और उनकी मां से पूछताछ के लिए ईडी कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करने की दरख्वास्त कर सकती है। इसके बाद न केवल फराज बल्कि उनकी मां महजबीन को भी ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। इससे पहले ईडी ने विशेष अदालत में मलिक के खिलाफ 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंधों को बताया गया है। साथ ही साल 1996 में कुर्ला स्थित गोवावाला कंपाउंड को हड़पने की साजिश का भी खुलासा किया गया है। इससे पहले विशेष अदालत ने ईडी के आरोप पत्र को संज्ञान में लेते हुए 20 मई को कहा था कि नवाब मलिक सीधे तौर पर जानबूझकर कुर्ला में गोवावाला परिसर को हड़पने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल था। वहीं फराज मलिक पर ईडी का शिकंजा कसने से एक बार फिर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नवाब मलिक जेल में बंद हैं और अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। दूसरी तरफ ईडी मलिक के परिवार का काला चिट्ठा खंगालने में जुटी है। ऐसे में ईडी अब मलिक के बेटे और पत्नी के खिलाफ आने वाले समय में बड़ा एक्शन ले सकती है। वहीं 3 महीने से जेल में बंद मलिक का इस्तीफा भी राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। वहीं आघाड़ी सरकार का मानना है कि मलिक बेकसूर हैं, ऐसे में इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। अब देखना होगा कि मलिक के खिलाफ आगे की कार्रवाई के बाद उनसे इस्तीफा लिया जाता है या नहीं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।